दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलिए इसको रीड आउट करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो 9 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पिछले वीडियोस में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट ए लेते हैं और ए में जो हमें क्या करना है, जो भी 9 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है और वही उसका आंसर इसमें हमें लिख देना है। ठीक है, तो हमें पता है 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए पहले ही यहाँ पर लिख दिया था कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस वैल्यू पर है। तो 9 कहाँ पर है, 9 है 10 मिलियन के प्लेस वैल्यू पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 × 10 मिलियन हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 मिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 मिलियन। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 मिलियन। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम बी पॉइंट को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें देखना है कि 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है। तो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 100 मिलियन पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 × 100 मिलियन। तो हम यहाँ पर 100 मिलियन कर देंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 900 मिलियन। ठीक है, और हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 900 मिलियन। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सी की। तो सी में 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो आ रही है मिलियन। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 × 100 मिलियन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 मिलियन यहाँ पर हम लिख देंगे इसको। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 मिलियन। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट यानी डी की। तो डी में 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, चलिए हम देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, फिर आता है थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। तो यहाँ पर जो 9 की प्लेस वैल्यू है वो आ रही है बिलियन में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बिलियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 × 1 बिलियन के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 बिलियन। ठीक है, और फिर हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 बिलियन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, 1 lakh = 1,000। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले यहाँ पर लिख देंगे 1 lakh। तो 1 lakh को हम कैसे लिखेंगे, 1 lakh। ठीक है, तो ये कौन से प्लेस पर है, वंस, टेन, हंड्रेड, ठीक है, फिर आ जाएगा थाउजेंड, 10,000 और लैख। ठीक है, तो हमें 1,000 बताना, तो ये कौन सा आ जाएगा, 100,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बाकी के पॉइंट सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 1 crore = 2 lakh। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे 1 crore। तो कैसे लिखेंगे हम, 1 crore। ठीक है, अब बताना है लेख के बारे में। तो लाख कहाँ पर आएगा, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो लेख आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 lakh। ठीक है, अब बताना है हमें 1 million के बारे में। तो हम यहाँ पर 1 million लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 million। ठीक है, और अब हमें बताना है 1,000 के ऊपर। तो 1,000 कहाँ आएगा, 1, 10, 100, 1,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,000। अब लास्ट हमें दे रखा है 1 million और लेख के बारे में बताना है। तो हम पहले फिर से यहाँ पर 1 million लिख लेंगे।
ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पर बताएंगे कि 1 मिलियन में कितने इक्वल्स टू लेख आएंगे। तो यहाँ पर आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और फिर आ जाएगा यहाँ पर लेख। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 लाख टोटल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। बाकी के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।